अभी हम लोग क्यूमिलिन डिस्कस करने वाले हैं। क्यूमिलिन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो चाहे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो, दोनों पर ही सवाल बनते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो हमको सबसे पहले क्यूमिलिन के बारे में जानना चाहिए कि आखिर क्यूमिलिन होते क्या हैं। देखो, क्यूमिलिन कोई एक इंडिविजुअली कंपाउंड नहीं होता, क्यूमिलिन कंपाउंडों की एक सीरीज हो सकती है जिसके अंदर एक डेफिनेट कंडीशन होती है और वो कंडीशन होती है कि उनके अंदर क्यूमुलेटेड सिस्टम होता है, यानी एडजेसेंट डबल बॉन्ड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्यूमिलिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यूमिलिन किस तरह के होते हैं, क्यूमिलिन की स्ट्रक्चर क्या होती है। अगर हमें क्यूमिलिन की स्ट्रक्चर आती है तो हमें उसके लिए जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटियों को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखो जरा, हम लोग डिस्कस करते हैं क्यूमिलिन के बारे में कि आखिर क्यूमिलिन होते क्या हैं। तो देखो, क्यूमिलिन्स आर द कंपाउंड्स हैविंग क्यूमुलेटेड सिस्टम और एडजेसेंट डबल बॉन्ड। यानी क्यूमिलिन ऐसे कंपाउंडों को कहा जाता है जिनके अंदर क्यूमुलेटेड सिस्टम होता है या कह दें एडजेसेंट डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब ये है कि मान लो ये कोई कार्बन है, ठीक, इस कार्बन से डबल बॉन्ड बना हुआ है। अब इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पोजीशन पर भी अगर डबल बॉन्ड आ जाए, यानी डबल बॉन्ड के जस्ट बाद अगर डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसे हम लोग क्यूमुलेटेड सिस्टम बोल देते हैं। और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ये सिस्टम आपको देखने को मिले, यानी डबल, उसके एडजेसेंट पोजीशन पर फिर डबल, फिर एडजेसेंट पर डबल, इस तरह से कंटिन्यूसली आपको डबल दिखाई दे जाए, यानी कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड आता चला जाए, तो वो क्यूमुलेटिव सिस्टम हो जाता है। देखो, किसी भी एल्कीन की अगर बात करें तो एल्कीन में डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ, इस तरह से मैंने कोई कंपाउंड लिख दिया, ठीक। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दिया, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। मैं ऐसे लिखता हूँ और मैंने एक डबल यहाँ बना दिया और एक डबल यहाँ बना दिया, और फिर मैं एक कंपाउंड ऐसे लिखता हूँ जहाँ मैंने ये डबल और ये डबल, ठीक है। अब देखो, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, मगर दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ चुके हैं। ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से बिल्कुल सेपरेट है, यानी आइसोलेट है, इसलिए ऐसे सिस्टमों को आइसोलेटेड सिस्टम बोल देते हैं। जबकि यहाँ डबल सिंगल डबल, यानी अल्टरनेटिव ऑर्डर में डबल सिंगल डबल दिखाई देंगे, डबल उसके बाद सिंगल और फिर आएगा डबल, इसे हम लोग कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेटेड मैनर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, डबल डबल के एडजेसेंट पोजीशन पर, मतलब पड़ोस में ही जस्ट क्या आ गया, अगला डबल, यानी डबल डबल से सटा हुआ डबल है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्यूमुलेटिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सिस्टम। तो हम लोग इसी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हो कि ये इस तरह के एल्कीन होंगे जिनके अंदर डबल की एडजेसेंट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा। अब देखो, जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये कोई कंपाउंड है, ये इस तरह का कंपाउंड है, क्या ये क्यूमिलिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्यूमिलिन के लिए पहली बात तो एल्कीन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, और वो भी डबल बॉन्ड आपको एडजेसेंट दिखाई देने चाहिए। तो ये तो सिंपल एल्केन है, ये क्यूमिलिन नहीं है। तो फिर क्या ये क्यूमिलिन हो सकता है? मैं ऐसे लिख दूं, तो देखो, अब ये एल्कीन तो है, लेकिन जो डबल बॉन्ड हमने बनाया है उसकी एडजेसेंट पोजीशन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, जबकि डबल के एडजेसेंट यानी डबल से सटा हुआ भी डबल होना चाहिए। तो ये एक सिंपल एल्कीन है, ये क्यूमिलिन नहीं है। और अभी हम बात करें, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है, क्या ये क्यूमिलिन है? तो अब जरा आप ध्यान से देखो, क्यूमिलिन के लिए क्यूमुलेटिव सिस्टम होना चाहिए, डबल से सटा हुआ ही डबल होना चाहिए, यानी डबल की एडजेसेंट पोजीशन पर डबल होना चाहिए। तो देखो, ये डबल, उससे सटा हुआ डबल, इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव सिस्टम है और ये एक क्यूमिलिन हो सकता है, ठीक। ये एक सबसे सिंपलेस्ट क्यूमिलिन है जिसका नाम होता है एलीन। क्या नाम होता है?
एलीन, ध्यान रखेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट सिंपलेस्ट क्यूमिलीन है एलीन। तो एलीन के लिए या कहूँ क्यूमिलीन के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि सिस्टम के अंदर डबल बॉन्ड एडजेसेंट आ रहे हैं या नहीं, भले ही कितने ही डबल बॉन्ड क्यों ना आए। देखो डबल एडजेसेंट, डबल फिर डबल फिर डबल, यानी डबल से सटा हुआ डबल, डबल से सटा हुआ डबल है तो क्यूमुलेटिव सिस्टम हो जाता है, और ऐसे कंपाउंड को क्यूमिलीन के अंदर रख लेते हैं। समझ गए? तो क्यूमिलीन कोई एक कंपाउंड नहीं है, क्यूमिलीन दरअसल ऐसे एल्किन्स हैं जिनके अंदर आपको क्यूमुलेटेड सिस्टम दिखाई देगा, या कह दूं एडजेसेंट डबल बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। क्यूमुलेटेड सिस्टम से मतलब क्या है? डबल 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 कंटिन्यूसली। ये सिस्टम आइसोलेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, डबल सिंगल डबल, जबकि डबल के बाद डबल, तो क्यूमुलेटिव सिस्टम होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो क्यूमिलीन्स के बारे में जानने के लिए उसकी स्ट्रक्चर को समझना बेहद जरूरी होता है, तो हम यहाँ क्यूमिलीन की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया होना चाहिए। कैसे? जब कार्बन चार सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बोलते हैं, और जब कार्बन तीन सिग्मा और साथ में एक पाई बॉन्ड बना दे तो आप उस हाइब्रिडाइजेशन को sp2 बोलते हो, और जब कार्बन दो सिग्मा और दो पाई के कॉम्बिनेशन के साथ हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। इसकी स्ट्रक्चर या जियोमेट्री को समझने के लिए हाइब्रिडाइजेशन मालूम होना जरूरी है। तो मान लो मैं एक इस तरह का क्यूमिलीन लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अब हमें इसके प्रत्येक कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। अब देखो जरा, क्या आप बॉन्ड पहचानते हैं? सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल में सिग्मा और पाई, डबल में सिग्मा और पाई, सिंगल सिग्मा, ठीक है। तो काउंट करो इस कार्बन से कितनी सिग्मा है, एक दो तीन, तीन सिग्मा और एक क्या है पाई, थ्री सिग्मा प्लस वन पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। यहाँ देखो कार्बन, देखो दो सिग्मा और दो ही क्या है पाई, दो सिग्मा और दो पाई, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। यहाँ देखो एक दो तीन, तीन सिग्मा है इस कार्बन से और एक क्या है पाई, इसका मतलब तीन सिग्मा प्लस एक पाई का कॉम्बिनेशन है, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए, फिर जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन पता चले आपको उसकी ज्योमेट्री या शेप के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे जब कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होता है, ठीक है, समतल त्रिकोणीय आकृति में होता है। अब इस ज्योमेट्री का क्या मतलब है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो क्या मतलब है, देखो कार्बन जब sp2 हाइब्रिड होगा तो नॉर्मली वो तीन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, और तीन सिग्मा बॉन्ड किस तरह से फॉर्म करता है, तो देखो एक बॉन्ड तो मैंने ऐसे बना दिया, ये बॉन्ड मैंने जो बनाया है ना ये दरअसल इस बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, एक बॉन्ड मैंने इस तरह से बनाया है, इसको मैंने क्या किया है डार्क कर दिया है। अच्छा डार्क करने का मतलब तो आप समझते होंगे, डार्क करने का मतलब है कि अब ये जो बॉन्ड है ना ये इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, दरअसल ये बॉन्ड जो है इस बोर्ड से बाहर आ रहा होगा, बाहर कैसे, ये वाला बॉन्ड इस तरह से बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक, और एक बॉन्ड को मैंने डैश डैश करके बनाया है इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये बॉन्ड भी बोर्ड में नहीं है, ये बॉन्ड बोर्ड के पीछे जा रहा होगा। तो मैंने तीन बॉन्ड बनाए हैं, सपोज दैट ये कार्बन है, क्या है ये कार्बन, एक बॉन्ड तो ऐसे जा रहा है तो ये तो बोर्ड के प्लेन में आ गया, ठीक है। अब इसी कार्बन से एक बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है तो ये प्लेन से कहाँ आ गया, बाहर, और इसी कार्बन से एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है आपसे दूर, ठीक है, तो ये चला गया प्लेन के अंदर की तरफ, क्लियर है। तो एक बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड बाहर और एक बॉन्ड बोर्ड के पीछे है, ठीक। जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है उसके पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी होता है जो इन तीनों बॉन्डों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो ये कार्बन है sp2 हाइब्रिड, इसने तीन बॉन्ड बना रखे हैं, एक बॉन्ड ऐसे प्लेन में है, एक बॉन्ड आपकी तरफ है और एक बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, तो तीनों बॉन्ड है तो इसी प्लेन में, ठीक है। अब इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे की तरफ पी ऑर्बिटल्स की लोब होंगी, पी ऑर्बिटल में दो लोब होती हैं, एक लोब ऊपर होगी और एक लोब होगी नीचे, तो लोब तो हो गई ऐसे परपेंडिकुलर और बॉन्ड हो गए ऐसे, एक दो
और तीन, जबकि लोब हो गई ऐसे, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जरा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये है, ये ठीक है, अब ये तीन बॉन्ड हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये बॉन्ड तो कहाँ चला गया, प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। ये ब्लैक वाला बॉन्ड कहाँ है, आपकी तरफ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कहाँ है, आपसे दूर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो ये तीनों बॉन्ड है तो एक ही प्लेन में ना, यानी ये है तो इस तरह से एक प्लेनर शेप, बोलो है कि नहीं है। बस इन प्लेनर शेप में एक बॉन्ड तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऐसे बोर्ड के प्लेन में, सही है। एक बॉन्ड उस प्लेन से बाहर आएगा, एक बॉन्ड उस प्लेन के अंदर जाएगा। बोर्ड का प्लेन कौन सा है, बोर्ड का प्लेन ये है कि नहीं है। ये वाला क्या है, बोर्ड का प्लेन है। तो प्लेन में कौन सा बॉन्ड आ गया, ये वाला बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया। प्लेन से बाहर कौन सा बॉन्ड जा रहा है, ब्लैक वाला बॉन्ड आपकी तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। और प्लेन के अंदर कौन सा आ रहा है, ये वाला बॉन्ड आ रहा है। तो ये इस तरह से तीन बॉन्ड होते हैं। अब मैंने कहा sp2 हाइब्रिड है, तो इस पर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होगा। वो पी ऑर्बिटल कैसे होगा, तो वो पी ऑर्बिटल दरअसल ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लोब होगी ऊपर ऐसे और एक लोब होगी नीचे की तरफ, होगी कि नहीं होगी। तो ये आपका क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन, उसके तीनों बॉन्ड। तो एक लोब ऊपर पी ऑर्बिटल की और एक लोब होगी नीचे, कुछ इस तरह की ये आकृति होगी। क्लियर है सबके दिमाग में। इसको मैं और सिंपल तरीके से एक क्यूब बनाकर भी आपको बता सकता हूँ। तो जरा देखो, आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। मान लो मैंने एक क्यूब ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रक्चर समझना बेहद जरूरी है। अगर ये जियोमेट्री आपके दिमाग में आ रही है ना, तो फिर क्यूमिलीन को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। ये मैंने एक क्यूब बनाया है, ये क्यूब का फेस ऊपर वाला देखो, यानी ऊपर वाला फेस देख रहे हो। इस फेस के सेंटर पर मान लो मैं एक कार्बन रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, कार्बन। और इस कार्बन के तीनों बॉन्ड भी मैं इसी फेस में बना देता हूँ, ठीक। अब ये कार्बन और तीनों बॉन्ड सब इसी फेस में आ गए हैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, जो पी ऑर्बिटल्स है उसको बनाता हूँ। तो ये पी ऑर्बिटल्स देखो इस तरह से, एक लोब ऊपर की तरफ और एक लोब नीचे की तरफ, समझ गए। अब तो ये आपको आसानी से अज्यूम हो रहा होगा कि ये तीनों बॉन्ड जो हैं और कार्बन जो है वो तो इस फेस में ही आ गए हैं, क्यूब के ऊपर वाले फेस में आ गए कि नहीं आ गए, ठीक। लोब जो है वो ऊपर है और नीचे है, तो ये प्लेन हो गया। इस प्लेन में तो तीनों बॉन्ड और कार्बन आ गए, लोब जो है वो ऊपर है और प्लेन के नीचे है। दरअसल ये दोनों एक ही तो हैं, बस देखने का तरीका अलग है। कैसे, यहाँ आप 3D विजुलाइजेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है कि भाई एक बॉन्ड प्लेन में इस तरह से है बोर्ड में, ये वाला बॉन्ड बोर्ड से बाहर आएगा और ये वाला बॉन्ड बोर्ड के अंदर जाएगा। और ये जो पी ऑर्बिटल्स है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे है। यहाँ थोड़ा अजम्पशन रखना पड़ता है कि ये वाला बॉन्ड तो प्लेन में है, ये बॉन्ड जो है वो बाहर आ रहा है, ये बॉन्ड जो है बोर्ड के पीछे जा रहा है और ये परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल है, लेकिन दोनों एक ही हैं। ध्यान रखोगे इस बात को, आप चाहें तो आप इस sp2 हाइब्रिड कार्बन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके तीनों बॉन्डों को बोर्ड के प्लेन में ही रख दो, रख दिए। अब ये तीनों बॉन्ड कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में। कौन से प्लेन में है, मान लो इस प्लेन में, सही है। अब देखो, अगर तीनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में आ गए हैं, तो तीनों बॉन्डों का जो प्लेन बनता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल होता है। परपेंडिकुलर का मतलब बॉन्डों का प्लेन तो यह है, क्योंकि तीनों बॉन्ड इसी प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एक लोब होगी और परपेंडिकुलर अंदर यानी पीछे की तरफ भी एक लोब होगी। यानी ये तो हो गए तीनों बॉन्ड, ठीक, और कार्बन, ये सब तो इसी प्लेन में है। इस प्लेन से लंबवत बाहर की तरफ एक लोब आएगी और लंबवत अंदर यानी पीछे की तरफ भी एक लोब आएगी। कुल मिलाकर पी ऑर्बिटल जो होता है उसकी एक लोब आपको बाहर की तरफ दिखाई देगी, इस तरह से मान लेते हैं थोड़ा सा, और एक लोब आपको अंदर की तरफ दिखाई देगी। ये वाली लोब दरअसल इस बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड से बाहर आ रही है, और ये वाली लोब भी बोर्ड में नहीं है, ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही होगी। क्लियर है सबके दिमाग को। आप चाहें तो मैं इसको दो प्लेन बनाकर भी अज्यूम करवा सकता हूँ। कैसे, देखो जरा, मान लो मैंने एक प्लेन ये बना दिया, ठीक है, और एक प्लेन मैं इसके परपेंडिकुलर बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब उस प्लेन को देखो जो मैंने रेड इंक से बनाया है, ये बनाया है, ठीक, ये वाला। इस प्लेन में कार्बन है और कार्बन के तीनों बॉन्ड हैं, कार्बन के तीनों बॉन्ड हैं, सही है।
तो ये सब तो इस प्लेन में है, रेड वाले में। अब जो पी आर वाइटल्स है ना, वो इस ग्रीन वाले प्लेन में होगा, क्योंकि ये प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। भाई अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों प्लेनों के बीच का ये एंगल कितने का है, तो आपको अजम्पशन में रखना पड़ेगा कि 90 का। मतलब रेड वाला जो प्लेन बनाया है वो अगर बोर्ड में है, तो ग्रीन वाला जो प्लेन है वो उसके परपेंडिकुलर है। ठीक, इस ग्रीन वाले प्लेन के अंदर ही आपको पी ऑर्बिटल्स की लोब दिखाई देंगी। एक लोब तो आएगी बाहर और एक लोब जाएगी पीछे की तरफ, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं sp2 हाइब्रिड कार्बन को, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इनको एक बार फिर ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो था ये तो हमने ऐसे रखा था, ये एक ब्लैक वाला आपकी तरफ था, एक आपसे दूर था और एक बोर्ड के प्लेन में था। पी ऑर्बिटल की एक लोब ऊपर थी और एक लोब नीचे थी, सही है। चाहे इससे मैच कर लो, चाहे इस क्यूब में देख लो, सही है ना। पी ऑर्बिटल की एक लोब ऊपर और नीचे है, ठीक। ये मैंने ऐसे दिखाया, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, तब तो ये सब कुछ प्लेन में आ गया, बोर्ड के में बोला आ गया कि नहीं आ गया। अब सब कुछ एक ही प्लेन में है, इस प्लेन में है कि नहीं है। अब लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, पी ऑर्बिटल तो एक लोब आएगी तुम्हारी तरफ और एक लोब जाएगी तुमसे दूर, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो ये ऐसे है, तो रेड वाली लोब एक आपको बाहर आती दिखेगी और एक लोब आपको इसके पीछे की तरफ जाती दिखेगी, क्लियर है सबके दिमाग में। तो ये ज्योमेट्री ऐसे है, बात तो एक ही है, दोनों एक ही है, मगर मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक। और ये वाली जो है ये ऐसे है, बात दोनों ही एक है, ठीक है। तो आप इस ज्योमेट्री को कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं, लेकिन आपको एक बात जरूर यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कैसे, अगर आप ऐसे ज्योमेट्री बनाते हैं, यानी आप कार्बन लेते हैं और कार्बन के पी ऑर्बिटल्स को ऊपर और नीचे ऐसे लिखते हैं, तो फिर आपको उसके बॉन्ड इस तरह से शो करने पड़ेंगे, ताकि ये अजम्पशन स्ट्रांग हो जाए कि ये बॉन्ड जो है ये बोर्ड या कागज के प्लेन में है, ये बॉन्ड बोर्ड से बाहर है और ये बॉन्ड बोर्ड के अंदर है, और पी ऑर्बिटल जो है इन तीनों बॉन्डों का जो प्लेन बनता है, ये सारे तीनों बॉन्ड इसी प्लेन में होंगे, इसके परपेंडिकुलर ऊपर है और नीचे है, ठीक है। अगर आप इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है, यानी अगर आप पी ऑर्बिटल्स को बोर्ड के बाहर और पीछे की तरफ दिखा रहे हैं, तो फिर आपको इसके बॉन्ड इस तरह से शो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड ये इसी प्लेन में आ गए, पी ऑर्बिटल की एक लोब बाहर चली गई और दूसरी लोब पीछे की तरफ चली गई, क्लियर है सबके दिमाग में। इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप समझ चुके होंगे कि sp2 कार्बन को ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है, क्लियर। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं sp कार्बन के बारे में, ठीक है। sp कार्बन में क्या होता है कि कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, क्योंकि लीनियर शेप में होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं, लीनियर में, ठीक। लेकिन दो सिग्मा बॉन्ड बनाने के साथ साथ कार्बन के पास दो पी ऑर्बिटल्स भी होंगे और वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक पी ऑर्बिटल ये रहा और एक पी ऑर्बिटल इस तरह से, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इसको भी हम लोग चलो क्यूब बनाकर समझ ही लेते हैं। तो जरा देखें आप लोग, देखो मैं एक क्यूब बना देता हूँ, क्यूब से थोड़ा अजम्पशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो देखो ये क्यूब है, अब मैं क्यूब का कोई एक कॉर्नर ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये वाला कॉर्नर ले लिया। कौन सा कॉर्नर, ये वाला। इस कॉर्नर पर मैंने एक कार्बन रख दिया, तो कार्बन दो बॉन्ड बनाएगा ना, वो भी लीनियर, तो दो बॉन्ड बना दिए, ठीक है। अब कार्बन के पास क्या होगा, कार्बन के पास दो पी ऑर्बिटल होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो मान लो एक पी ऑर्बिटल तो ऐसे होगा इस तरह से, सही है, और एक पी ऑर्बिटल कैसे होगा, इस तरह से, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप क्या करें, एक पी ऑर्बिटल्स को तो ऐसे बना दें, सही है, और एक पी ऑर्बिटल को आप इस तरह से बना दें, समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि ये कार्बन है, ये उसके दो बॉन्ड हैं, एक पी ऑर्बिटल इस तरह से है, मतलब ये लोब बाहर आ रही है, ये वाली लोब पीछे की तरफ जा रही है, और एक पी ऑर्बिटल ऐसे है, ये लोब ऊपर है और ये लोब नीचे है, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको अगर ये रिप्रेजेंटेशन मालूम चल गया है, तो अब हम क्या करते हैं, किसी भी क्यूमुलिन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा, मैं एक
क्यूमुलेटिव सिस्टम लिख रहा हूँ। मान लो ये कोई क्यूमुलेटिव सिस्टम है, क्यूमुलेटिव सिस्टम तो समझ गए, डबल के एडजेसेंट क्या दिखाई देगा, डबल, ठीक है, ये इस तरह का सिस्टम है। ठीक, तो पहले तो आप एक काम करें, पहले तो आप मुझे इनका हाइब्रिडाइजेशन बता दें, इसका क्या होगा, sp2, तीन सिग्मा और एक पाई है, ठीक है, ये क्या होगा sp और ये क्या होगा sp2, ठीक है। आप जब भी क्यूमुलिन की स्ट्रक्चर को बनाएं या उसे समझें, तो आप सबसे पहले sp हाइब्रिड कार्बन को बनाया करें कि ये कार्बन है, इस कार्बन के दो बॉन्ड हैं, लीनियर शेप में होंगे, और दो ही इसके पास पी ऑर्बिटल होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो एक पी ऑर्बिटल मान लो ऐसे बना दिया और एक इसके परपेंडिकुलर बना दो, यानी इस तरह से बना दिया, ठीक। अब आप इससे जुड़ेंगे इन कार्बनों को, ये sp2 कार्बन है। अब देखो, पी ऑर्बिटल हमेशा जब भी पाई बॉन्ड बनाते हैं वो कोलेट्रल यानी समपार्श्वीय अतिव्यापन करते हैं, एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। अब ये वाला पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये उसी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है जो इसी तरह से हो, यानी इसके समानांतर हो, ठीक। मैं मान लेता हूँ कि ये पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो इस कार्बन के पी ऑर्बिटल को ऐसे ही आना पड़ेगा ताकि इनके बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग हो सके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब पी ऑर्बिटल्स की लोब ऊपर और नीचे होती हैं तो फिर आपको एक बॉन्ड बाहर निकालना होगा और एक बॉन्ड आपको पीछे की तरफ ले जाना होगा। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर बनाई है, लोब ऊपर नीचे हैं, तो एक बॉन्ड को बाहर निकालो और एक बॉन्ड को पीछे की तरफ ले जाओ, और अगर लोब आगे पीछे हैं, मतलब इस तरफ आगे और पीछे, तो तीनों बॉन्डों को इसी प्लेन में रहने दो, ठीक। तो हमने यही काम किया है। अब देखो, ये वाला पी ऑर्बिटल फ्री है, तो ये वाला पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पी ऑर्बिटल अरेंज है, इसका पी ऑर्बिटल भी ऐसे ही अरेंज होना चाहिए ताकि दोनों के बीच में कोलेटरल ओवरलैपिंग हो सके और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके। अब इस कार्बन के पी ऑर्बिटल्स की एक लोब बाहर है और एक लोब पीछे की तरफ है। अगर लोब ऊपर नीचे बनाते हो इस तरह से, तो बॉन्ड ऐसे शो करते हो, और बाहर और पीछे की तरफ बनाते हो, तो फिर आपको तीनों बॉन्डों को प्लेन में ही रखना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? तो अब आप समझ लो कि आपने ये स्ट्रक्चर बना दी है, और ये बनी है तो कैसे, कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया, इससे भी डबल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब जरा बॉन्ड की सिचुएशन देखो, इस वाले कार्बन के बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो कहाँ आ रहा है, बाहर, और एक बॉन्ड कहाँ जा रहा है, बोर्ड के पीछे की तरफ। मगर इस कार्बन के ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये प्लेन में ही हैं, बोला है कि नहीं है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये क्यूमुलिन प्लेनर है, क्या इसमें कार्बन और उसके सभी बॉन्ड एक ही प्लेन में आते हैं? तो आप कहेंगे कि देखो भाई, एक ही प्लेन में तो आपको ये सब दिखाई देगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये बॉन्ड सब बोर्ड के प्लेन में है। लेकिन क्या ये वाला बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में आएगा? नहीं, ये तो प्लेन से बाहर जाएगा। क्या ये वाला बॉन्ड प्लेन में आएगा? नहीं, ये प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा। इसका मतलब तो साफ है कि ये कोई प्लेनर शेप नहीं है, ये प्लेनर नहीं है, इसको हम लोग नॉन प्लेनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन प्लेनर, यानी ये एक असमतलीय संरचना है। अच्छा, मुझे बताया जाए इसके अंदर डबल बॉन्ड कितने हैं? दो, एक और एक दो, डबल बॉन्ड है दो। दो इवन होता है या ऑड? इवन नंबर होता है। यानी इस क्यूमिलीन के अंदर डबल बॉन्ड इवन नंबर में है और ये नॉन प्लेनर है। कैसा है? नॉन प्लेनर। अब हम एक ऐसा क्यूमिलीन बनाते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड ऑड नंबर में हो, यानी तीन हो, तो तीन भी एक ऑड नंबर होता है, ये लो, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, जरा सभी ध्यान से देखें। हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp2 होगा, ये कैलकुलेट कर लेना सिग्मा और पाई गिन करके, sp होगा, sp होगा और sp2 होगा। मैंने आपसे कहा था कि जब भी क्यूमुलिन की स्ट्रक्चर को बनाएं सबसे पहले sp हाइब्रिड कार्बनों को बना लिया करें। तो ये कार्बन sp हाइब्रिड होगा, तो दो बॉन्ड तो इसके ऐसे होंगे, ठीक है, और इस पर दो पी ऑर्बिटल होंगे जो परपेंडिकुलर होंगे, एक किलो वैसे ऊपर और नीचे, और अगले किलो आगे और पीछे की तरफ बना देता हूँ। मैं डिफरेंट कलर से बना दूँ ताकि अंतर बना रहे। तो ये देखो, ये आगे है और ये कहाँ है, पीछे की तरफ, बोला है कि नहीं है, ठीक। दूसरा ये कार्बन है, ये कार्बन भी sp हाइब्रिड है, तो इसको भी ऐसे ही बनाते हैं। इसके पास भी दो पी ऑर्बिटल होंगे ऊपर और नीचे,
और एक होगा आगे और पीछे की तरफ, होगा कि नहीं होगा? ठीक, इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp2 है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन sp2 है कि नहीं है? अब देखो, इतना काम अगर आपने कर लिया है तो अब तो बस ओवरलैपिंग करनी है। मान लो ये वाला पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और पाई बॉन्ड बनाता है, तो जैसे ये पी ऑर्बिटल है इस कार्बन के पी ऑर्बिटल को भी ऐसे ही होना पड़ेगा ताकि कोलेटरल ओवरलैपिंग हो सके। मगर ध्यान रहे, जब इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे है तो फिर इसके बॉन्ड कहाँ होंगे? बाहर की तरफ और अंदर की तरफ होंगे कि नहीं होंगे? अब देखो, इन्होंने तो ओवरलैप कर लिया, अब ये बचा है ये वाला पी ऑर्बिटल। अब ये वाला पी ऑर्बिटल उसी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा जो इसी तरह से होगा, यानी इसके साथ करेगा, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे ऐसे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये वाला पाई बनेगा। अब ये पी ऑर्बिटल बच गया, बच गया कि नहीं बच गया? अब ये पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, मगर ये ऐसे है तो इस कार्बन का पी ऑर्बिटल भी ऐसे ही होना चाहिए ताकि इनके बीच में ओवरलैप हो और पाई बॉन्ड बन सके, क्योंकि पाई बॉन्ड हमेशा कोलेटरल समपार्श्विक ओवरलैप से बनता है। अगर कार्बन का पी ऑर्बिटल आपने ऐसे लिख दिया है तो बॉन्ड फिर आपको बाहर की तरफ और पीछे की तरफ लिखने पड़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अब जरा आप गौर से देखो और समझने की कोशिश करो। क्या देखो, मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को यहाँ कंपेयर करके आपको समझाऊंगा, ध्यान देना। पहले मैं इसको बना देता हूँ कि कार्बन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है ऐसे, और फिर एक बॉन्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है। इस पर भी एक बॉन्ड बाहर की तरफ आ रहा है और एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नहीं है? तो देखो, मैं आपसे कहूँ कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। कैसा है? प्लेनर। कैसे मानोगे प्लेनर है? देखो, मैं एक प्लेन बना दूँ और ये प्लेन दरअसल इस बार बोर्ड के अंदर नहीं है, ये प्लेन दो बोर्ड से बाहर है। और कैसे रखा हुआ है, एज्यूम करने की कोशिश करो। ठीक है, ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ठीक, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इसी प्लेन में आ गया, इस वाले प्लेन में, इसलिए ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे समझते हैं, देखो जरा, क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी प्लेनर? ये बॉन्ड कार्बन 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 ये सब तो प्लेन में था, बट ये दो बॉन्ड प्लेन में नहीं थे। तो कैसे नहीं थे? तो देखो जरा, मान लो ये रहा, ये है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड प्लेन में है, यहाँ एक कार्बन मान लो, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन, तीन कार्बन है इसमें। तो इसको देखते हैं पहले, ये दो बॉन्ड तो किसमें है? प्लेन में, एक कार्बन, दो कार्बन और यहाँ पर तीसरा कार्बन, मान लो तीन कार्बन हो गए। ठीक, अब बाकी के जो दो बॉन्ड है ना वो ऐसे हैं, बोलो है कि नहीं है? तो एक तो आ रहा है आपकी तरफ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनमें से एक तो आपकी तरफ आ रहा है और एक कहाँ जा रहा है? आपसे दूर। तो इस तरह का मॉलिक्यूल प्लेनर थोड़ी ना हो सकता, ये तो यही है, बोलो है कि नहीं है? ये दोनों कार्बन, ये वाला दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये सब तो एक ही प्लेन में आ गए, आगे कि नहीं आगे? बट ये बॉन्ड प्लेन में नहीं है, ये बॉन्ड प्लेन से कहाँ आ रहा है? बाहर। और ये बॉन्ड कहाँ जा रहा है? प्लेन के अंदर पीछे की तरफ। तो यही है ये, बोलो है कि नहीं? ये प्लेनर नहीं है। बट ये जो है ना, ये वाला ऐसा नहीं है, ये वाला मान लो ऐसे रखा हुआ है इस तरह से। अब समझना, देखो ये तो पूरा का पूरा प्लेनर है, बोला है कि नहीं है? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, चार कार्बन है। तो मान लो पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। अब बॉन्ड देखो, ये बॉन्ड बाहर है, ये भी बाहर है, ये पीछे की तरफ है, ये पीछे की तरफ मतलब अंदर की तरफ है, तो है तो सब कुछ प्लेनर, बोला है कि नहीं है? तो ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, तो ये तो है प्लेनर, समझ गए? लेकिन ये वाला प्लेनर नहीं है, क्योंकि ये इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं है। ये कैसा मॉलिक्यूल है? ये दरअसल इस तरह का मॉलिक्यूल है, इस तरह का, बोलो है कि नहीं है? ये इस तरह का है, तो इसलिए ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड बाहर आ रहा है, एक बॉन्ड अंदर जा रहा है, और बाकी ये बॉन्ड कहाँ है? प्लेन में। जबकि ये इस तरह का है, इसलिए ये प्लेनर है। क्लियर है? तो आप लोग याद रखना कि प्लेनरिटी का कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि प्लेनरिटी से आपको आगे चलकर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया लगेगा। ठीक, अब मैं आपसे कहता हूँ, जरा ध्यान दें, क्या ध्यान देना है? देखो, कितने डबल बॉन्ड हैं इसके अंदर? एक, दो, तीन। इवन है या ऑड? ऑड। इसका मतलब ऑड नंबर में डबल बॉन्ड आ जाए तो क्यूमुलिन कैसा हो जाता है? प्लेनर हो जाता है।
ठीक है, और इवन नंबर में आ जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ये कोई हमने क्यूमलिन बनाया हुआ है, अब आपको इसको ड्रॉ करना है, कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैं क्या करता हूँ, 6 कार्बन बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, सही है। एक बॉन्ड मैंने बाहर की तरफ निकाला हुआ है ऐसे, और एक बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है, एक बॉन्ड यहाँ भी बाहर की तरफ निकला हुआ है और एक बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है, सही है। तो ये तो एक प्लैनर मॉलिक्यूल हो गया ना, क्योंकि यहाँ से भी एक बॉन्ड बाहर निकलेगा और यहाँ से भी बाहर निकलेगा, मगर रहेंगे तो सब इसी प्लेन में। ये मेरा हाथ जिस प्लेन को बता रहा है उस प्लेन में, एक बॉन्ड यहाँ से पीछे जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से भी पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन सब होंगे इसी प्लेन में। कैसे होंगे, तो ओवरलैपिंग समझनी है हमको। तो हम क्या करते हैं, देखो जरा इधर ध्यान देना थोड़ा सा, हम एक काम करते हैं, ये कार्बन लिखते हैं और इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन तो आप बता ही देंगे, बताओ जरा मुझे पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, पहले वाले कार्बन का sp2, दूसरे का sp, तीसरे का sp, चौथे का sp, पांचवे का sp और छठवें का sp2, सही है। अब जरा आप लोग इधर ध्यान देंगे सभी लोग, है ना। सबसे पहले आप sp कार्बन को बनाएं, ये कार्बन, उसके दो बॉन्ड और दो ही उसके पास p ऑर्बिटल होंगे, तो मान लो एक p ऑर्बिटल ऐसे है और अगला इसके परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होने का मतलब मान लो ऐसे, सही है। अगला कार्बन बनाओ, कितने कार्बन sp हाइब्रिड है यहाँ पर, 4, 1, 2, 3, 4, ये हो गया, ये इसके दोनों बॉन्ड ऐसे होंगे और इस पर p ऑर्बिटल होंगे, तो एक p ऑर्बिटल ऐसे होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी इस तरह से होगा। अगला कार्बन बनाओ, अगला कार्बन जो है वो भी sp है, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन कितने हैं अपने पास, 4, उसके भी दो बॉन्ड होंगे, उसका एक p ऑर्बिटल ऐसा होगा इस तरह से, एक इसके परपेंडिकुलर होगा मतलब इस तरह से होगा, ठीक। अगला कार्बन बनाओ, अगला कार्बन भी sp हाइब्रिड है, क्योंकि sp हाइब्रिड कार्बन की नंबर है 4, ठीक। इसकी दोनों बॉन्ड, इसके p ऑर्बिटल सेम बिल्कुल ऐसे ही, एक ऐसे और एक p ऑर्बिटल जो होगा वो ऐसे है। अच्छा, अब ये तो अज्यूम कर रहे होंगे ना कि ये p ऑर्बिटल है कैसे, ये तो ऐसे हैं ग्रीन वाले, तो और जो ब्लू वाले हैं जो ऐसे लिखे गए हैं ये एक्चुअल में कैसे हैं, एक लोब आ रही है बाहर और एक लोब जा रही है पीछे, एक लोब आ रही है बाहर और एक लोब जा रही है पीछे, क्लियर। अब देखो इससे कौन जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिड कार्बन जुड़ा हुआ होगा, ठीक। अब देखो मान लो ये वाला पी ऑर्बिटल इस कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, ओवरलैप के लिए जैसे ये है वैसे ही इसका पी ऑर्बिटल होना चाहिए, सही है, तब जाके ही कोलेटरल ओवरलैप होगा, और कोलेटरल ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब sp2 हाइब्रिड के पी ऑर्बिटल को आप ऐसे रखते हैं तो उसके बॉन्डों में से एक बॉन्ड को आपको बाहर निकालना पड़ेगा और एक को आपको अंदर करना पड़ेगा, सही है कि नहीं है। अब ओवरलैप करते चले जाओ, ये वाला ऑर्बिटल रह गया है तो ये इसके साथ करेगा, सही है, ये रह गया है तो ये इसके साथ करेगा, क्योंकि पैरेलल होने चाहिए पी ऑर्बिटल, तब जाके ही कोलेटरल ओवरलैपिंग होता है और पाई बॉन्ड बनता है। ये रह गए हैं तो ये इसके साथ करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब इस कार्बन का ये वाला पी ऑर्बिटल रह गया कि नहीं रह गया, तो ये क्या करेगा, छठवें नंबर के sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा। कैसे करेगा, इसका ये है तो इसका भी यही पी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि ओवरलैप हो सके, और अगर पी ऑर्बिटल ऐसे है तो बॉन्ड कहाँ आएगा, बाहर और पीछे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा गौर से देख लो पूरे मॉलिक्यूल को, देख लिया, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 पाई बॉन्ड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये बॉन्ड बाहर आ रहे हैं और डॉट वाले बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यही स्ट्रक्चर है ये। अब देखो इस स्ट्रक्चर को यहाँ से देख लो, ये वाले पी ऑर्बिटल हैं, इन्होंने ऐसे ओवरलैप किया होगा, सही है। ये वाले जो पी ऑर्बिटल हैं ब्लू कलर वाले, इन्होंने ऐसे किया होगा, फिर इन्होंने ऐसे किया होगा कोलेटरल, इन्होंने ऐसे और ऐसे किया होगा, इन्होंने ऐसे। sp2 हाइब्रिड का पी ऑर्बिटल ऐसे आ गया तो बॉन्ड इस तरह से आएंगे, यहाँ भी बॉन्ड इस तरह से आएंगे। अब मेरा सवाल ये, क्या ये प्लेनर है, बिल्कुल ये प्लेनर है, क्योंकि इसका भी एक बॉन्ड बाहर आ रहा है, इसका भी एक बाहर आ रहा है,
इसका भी एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, इसका भी एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, कुल मिला के पूरा मॉलिक्यूल इस प्लेन में आ जाने वाला है ना। तो हम चाहे तो इसको प्लेन में बना सकते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो देखो इस तरह से हम लोग, सही है, हो गए 6 कार्बन, बॉन्ड बना देते हैं। इसका एक बॉन्ड आएगा बाहर और एक बॉन्ड जाएगा पीछे की तरफ, इसका भी एक बॉन्ड आएगा बाहर और एक बॉन्ड जाएगा पीछे की तरफ। ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल्स किसी एक प्लेन में आ जाएगा और वो प्लेन ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से शो कर देता हूँ ताकि ये फील हो आपको कि वाकई में इस प्लेन में ये आ रहा है। सही है, ये प्लेन कैसे रखा हुआ है, ये जंक्शन में आ रहा होगा आपके में, ये प्लेन जो है क्या ये बोर्ड में है? नहीं, बोर्ड में नहीं है। तो फिर ये कैसे है भाई, ये प्लेन देखो बोर्ड में नहीं है। सही है, ये प्लेन कैसे होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा, और ये पूरा मॉलिक्यूल इसी प्लेन में आ जाएगा। इसको एक बार और देख लेते हैं, जरा देखो सभी लोग, देखो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे थोड़ी देर पहले बताया था। कैसे, कितने कार्बन है, 6, तो एक कार्बन ये रहा, फिर मान लो दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा और छठवां ये रहा। पहले कार्बन का एक बॉन्ड बाहर आ रहा है, देख रहे हो उसमें, और छठवें कार्बन का भी एक बॉन्ड बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले कार्बन का एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है, ये छठवें कार्बन का भी एक बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। बट मॉलिक्यूल तो पूरा का पूरा इसी प्लेन में आएगा कि नहीं आएगा, यानी ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नहीं है। अगर आपको ये सब आइडिया लग गया है तो अब आप प्लेनरिटी चेक करना सीख गए हैं, तो फिर आप GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर है सबके दिमाग में? एक चीज़ और बता दो मुझे, इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं, मतलब कितने डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इवन है या ऑड, और ऑड होने पर ये कैसा है, प्लेनर है कि नहीं है। तो देखो अब तक हम लोगों ने जो सीखा है उसमें क्या सीखा है कि ऑड नंबर में पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो क्यूमिलीन जो होते हैं वो प्लेनर हो जाते हैं। देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले इवन नंबर में आया था, नॉन प्लेनर था, ऑड नंबर में आया प्लेनर है, और अभी ऑड नंबर में आया है फिर से क्या है, प्लेनर है। क्लियर है सबके दिमाग में? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो क्यूमिलीन जो होते हैं वो दो तरह के कौन कौन से, एक इवन क्यूमिलीन और दूसरा ऑड क्यूमिलीन। इवन का मतलब क्या है, इवन का मतलब है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड, वो इवन होंगे। इवन से मतलब क्या है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो तो नॉन प्लेनर होता है। कैसा होता है, नॉन प्लेनर। देखते हैं जरा, देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 2 इवन नंबर में है। स्ट्रक्चर देखो इसकी, ये कार्बन देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन है। डबल बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 डबल बॉन्ड और दूसरा, 2 डबल बॉन्ड है, इवन है। बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड तो बोर्ड में ही आ गए, मगर ये वाला बॉन्ड बोर्ड से बाहर है और ये वाला बॉन्ड बोर्ड के पीछे की तरफ है। इसका मतलब ये एक नॉन प्लेनर है। कैसा है, नॉन प्लेनर। तो कंसेप्ट बना लेना कि अगर डबल बॉन्ड इवन नंबर में दिख जाए तो नॉन प्लेनर होगा। कैसा होगा, नॉन प्लेनर। क्लियर। अब ऑड पर चर्चा करते हैं। ऑड में है, ऑड का मतलब क्या है कि जो आप डबल बॉन्ड देख रहे होंगे वो डबल बॉन्ड आपको ऑड नंबर में दिखाई देंगे। ऑड नंबर से मतलब 3, 5 इस तरह से। तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो ऑड होने चाहिए। ऑड नंबर मतलब 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। इसको देखो जरा कितने डबल बॉन्ड, 1, 2, 3, 3 है मतलब ऑड है। लेकिन ध्यान रहे जब भी ऑड नंबर में डबल बॉन्ड हो क्यूमिलीन में वो प्लेनर हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लेनर। कैसे हो जाता है प्लेनर, देखो एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, डबल बॉन्ड देखो, 1, 2, 3 डबल बॉन्ड है। बॉन्ड देखो, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में ही है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड भी प्लेन में है, यानी ये प्लेनर होता है, ठीक। तो अब आपको क्यूमिलीन के बारे में खास बात याद रखनी है कि इवन नंबर में डबल बॉन्ड हो नॉन प्लेनर, ऑड नंबर में डबल बॉन्ड हो वो प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है सबके दिमाग में? चलिए आगे चलते हैं। ये इवन वाला है,
इवन वाला है तो कैसा होगा, इवन हमेशा नॉन प्लेनर होगा, कैसा होगा नॉन प्लेनर। ध्यान रखोगे डबल बॉन्ड के कितने हैं, एक और एक दो, दो ही तो है। तो देखो भैया ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, दो, सही है। ये बॉन्ड कैसे, ये तो बोर्ड में ही आ गए, जबकि ये वाले बॉन्ड देखो ये बोर्ड से बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के पीछे यानी अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, नॉन प्लेनर है। नेक्स्ट देखो ऑड नंबर में होगा तो कैसा होगा, प्लेनर। बस यही आपको सीखना है कि ऑड नंबर वाला प्लेनर होगा। देखो एक डबल, दो डबल और तीन डबल, तीन डबल है ऑड नंबर में है, तो ये कैसा होगा, प्लेनर। देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखो एक दो और तीन ऑड नंबर में है, ये दोनों बॉन्ड कहाँ है, प्लेन में, और ये बॉन्ड भी कहाँ है, प्लेन में है। क्लियर है सबके दिमाग में, बस आपको यही याद रखना है कि इवन है या ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एलीन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एलीन एक तरह से क्यूमिलीन ही है, क्या है, क्यूमिलीन ही है, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट क्यूमिलीन है, सिंपलेस्ट मतलब सरल सा क्यूमिलीन है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड जो होते हैं दो डबल बॉन्ड होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर डबल बॉन्ड दो हैं इसका मतलब इवन नंबर में है, और अगर इवन नंबर में है तो फिर ये नॉन प्लेनर होना चाहिए, ये बात तो हम समझ ही चुके हैं, देख लेंगे नॉन प्लेनर कैसे आता है। देखो एलिन द सिंपलेस्ट क्यूमिलीन इज एलिन, बिल्कुल सही है, विच इज हैविंग ओनली टू क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड। अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर डबल बॉन्ड दो होते हैं, और दो होते हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। कार्बन कितने होते हैं, तीन होते हैं, और डबल बॉन्ड कितने होते हैं, दो होते हैं, क्लियर। चलिए एलिन के बारे में ये याद रखना है आपको। अब हम एलिन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एलिन हमने अभी अभी आपको बताया है, क्या है एलिन बताओ जरा, एलिन एक सिंपलेस्ट क्यूमिलीन है जिसके अंदर कार्बन तो होंगे कितने, तीन, डबल बॉन्ड होंगे दो, बाकी हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, सही है। अब मैं पहले इसकी स्ट्रक्चर बता दूं, फिर आप मैच कर लेना कि सही बनी है या गलत बनी है। तो देखो पहले मुझे आप प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। इस कार्बन का क्या होगा, sp2, तीन सिग्मा एक पाई, इसका sp और इसका sp2। एडवाइजेबल है कि सबसे पहले sp कार्बन को बनाया करें, उसके दो बॉन्ड लीनियर शेप में होंगे और उसके पास दो क्या होंगे, पी और वाइटल, तो एक तो होगा ऐसे और एक होगा इसके परपेंडिकुलर, यानी इस तरह से होगा कि नहीं होगा, ठीक। बाकी ये दो कार्बनों से जुड़ा होगा और ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिड होंगे, तो इस sp2 हाइब्रिड कार्बन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये वाला पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो इसका पी ऑर्बिटल भी ऐसे ही आना चाहिए, तब जाके ही ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब इसका पी ऑर्बिटल ऐसे आएगा तो इसके बॉन्ड कहाँ आएंगे, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक। अब इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसे, ये वाला रह गया कि नहीं रहेगा, ये ऐसे है, तो इसका भी पी ऑर्बिटल कैसे आना चाहिए, ऐसे, ताकि कोलेटरल ओवरलैप हो सके। लेकिन अगर इसका पी ऑर्बिटल ऐसे, ऐसे मतलब बाहर और ब्लैकबोर्ड के पीछे की तरफ, अंदर की तरफ है, तो फिर इसके बॉन्ड किस में चले जाएंगे, प्लेन में चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब आप खुद ही देख लो कि ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर। देखो ये दो बॉन्ड तो आ गए प्लेन में, बट ये दोनों प्लेन में नहीं आए, एक प्लेन से बाहर चला गया और एक प्लेन के अंदर चला गया, ठीक है। ये भी एक पाई बॉन्ड है, तो हम क्या करें, इसको बनाएं, तो ये इस तरह से होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, हर जगह हाइड्रोजन होगा, यहाँ तो होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये दो हाइड्रोजन तो प्लेन में ही आ जाएंगे, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो प्लेन से बाहर जाएगा और यहाँ जुड़ा होगा वो प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा, तो वाकई में प्लेन में कौन कौन रहेगा, वाकई में प्लेन के अंदर ये रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब तो प्लेन में है, बट ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के पीछे की तरफ है, क्लियर है। इसका मतलब ये एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको भी हम लोग। देखो हम ऐसे कर लें, सही है, ऐसे मान लेते हैं, मान ले और ऐसे देखो। अब देखो एक कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, तीन कार्बन हो गए। यहाँ जो हाइड्रोजन होंगे वो तो इसी प्लेन में आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ वाला हाइड्रोजन तो क्या आएगा, प्लेन से बाहर, और एक कहाँ जाएगा, प्लेन के अंदर की तरफ, तो ये ऐसे है ना, समझ गए। ये कार्बन एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इस कार्बन के हाइड्रोजन प्लेन में ही आएंगे दोनों के दोनों, मगर इस तीसरे नंबर के कार्बन का एक हाइड्रोजन बाहर आएगा और एक हाइड्रोजन अंदर, तो ये एक प्लेनर शेप नहीं होगी, क्लियर है, ये एलीन ही है, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो प्लेन में है, बट यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ, यहाँ वाले, उनमें एक बाहर है और एक अंदर की तरफ है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, देखो
अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, देखो सही बात है, ये कार्बन sp2 है और ये भी sp2 है, ये sp है, तो इसके और इसके ये वाले ऑर्बिटल ओवरलैप कर लें, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब इसका ये ऑर्बिटल रह गया है तो ये इससे ओवरलैप करेगा तो एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जब इस sp2 का पी ऑर्बिटल ऐसे है तो बॉन्ड कैसे होंगे, बाहर और भीतर की तरफ, ये बाहर होगा और ये अंदर की तरफ, ब्लैक बोर्ड बोर्ड के पीछे की तरफ। इस sp2 के पी ऑर्बिटल ऐसे हैं तो फिर इसके जो दोनों बॉन्ड होंगे वो प्लेन में होंगे, ये दोनों कहाँ होंगे, बोर्ड के प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे, यही तो बताया हम लोगों ने कि भाई इसका एक पी ऑर्बिटल ये है, ये जिसके साथ ओवरलैप करेगा वो ऑर्बिटल भी ऐसा ही होगा। तो मान लो इसके साथ ओवरलैप किया तो दोनों ने पाई बॉन्ड बना लिया। मगर जब sp2 का ऑर्बिटल इस तरह से आ जाता है ऊपर और नीचे, तो बॉन्ड बाहर होगा और पीछे की तरफ होगा, तो ये हाइड्रोजन तो आएगा प्लेन से बाहर और ये आएगा प्लेन के पीछे की तरफ। अब इस कार्बन का ये पी ऑर्बिटल बचा है तो ये उसी से ओवरलैप करेगा जो ऐसा ही होगा, मतलब इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसा ही होना चाहिए तभी ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा। अगर इस कार्बन का पी ऑर्बिटल ऐसे आ गया है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, तो फिर इसके जो दोनों बॉन्ड हैं वो प्लेन में ही होंगे, यानी ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में होंगे। क्लियर, इस बात को यहाँ से देख लें, देखो रेड रेड वालों ने जब ओवरलैप किया है तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी है, ये ब्लू ब्लू वाली जो लोग हैं इन्होंने जब ओवरलैप किया है तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी है, ये इस सिग्मा बॉन्ड के ऊपर और नीचे है, ठीक। यहाँ रेड रेड वालों ने ओवरलैप किया इसने और इसने, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी है, ब्लू और ब्लू इन्होंने ओवरलैप किया है, ये लोब है, इनके ओवरलैपिंग से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी है वो ये रही, ये इस वाले सिग्मा बॉन्ड के आगे और पीछे होगी। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो तो इस बोर्ड के ही प्लेन में दिखेंगे, इस वाले प्लेन में, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बोर्ड के प्लेन में नहीं है, वो एक अलग प्लेन में होंगे। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है। डिफरेंट प्लेन में है तो पूरा मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, समझ।